16 तारीख को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, पीएम मोदी ने नाम पर लगाई मुहर। बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल को लेकर बात शुरू, नेताओं की हो रही है बैठकें। मोदी ने कहा नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास की राह पर बढ़ता रहेगा बिहार, सीएम ने ट्वीट कर किया धन्यवाद। मोदी ने जीत के लिए बिहार की जनता को किया शुक्रिया, राजनीति में परिवारवाद को पीएम ने लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर, पार्टी करती है नारी शक्ति का सम्मान। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र में हिंसा का खेल ठीक नहीं। कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बीजेपी दफ्तर में हुए जश्न में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी के दो पर्यवेक्षक, सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर करेंगे चर्चा। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर साधा निशाना, कहा 25 से 30 सीटों को किया नुकसान। नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान पर निकाली भड़ास, बोले वोट कटवा पार्टी की वजह से जेडीयू को 45 सीटों का हुआ नुकसान। बिहार में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग ने दी सफाई, कहा पूरा हुआ नीतीश को डैमेज पहुंचाने का मकसद। बिहार से हैदराबाद पहुंचे एआईएमआईएम के नए नवेले विधायक, पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से करेंगे रणनीति पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में मची भगदड़, मिदनापुर में 45 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले ममता का सियासी दांव, सूबे के सरकारी स्कूलों में होगी 16,500 टीचर्स की बहाली। कोरोना पर राहुल गांधी का सवाल, कहा सरकार बताए देश में कैसे बटेंगी कोरोना वैक्सीन। बातचीत के बाद खत्म हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन, 8 मुद्दों पर बनी सहमति। अमित शाह आज जाएंगे गुजरात, कच्छ के सरहदी इलाकों के गांवों के सरपंचों को करेंगे संबोधित। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के किसान, तैयार की जा रही है स्पेशल बस। त्योहारों पर दिल्ली में कोरोना ने मचाया कोहराम, 24 घंटे में 8,593 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 85 मरीजों की हुई मौत, केजरीवाल की केंद्र से मांग, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएं। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस, 512 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार फिर चिंतित, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों से की बात। कोरोना पर पीएम मोदी की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक से फोन पर बात, चुनौतियों और समाधान पर चर्चा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया दिल्ली में हालात खराब, लोग संभल कर करें, भीड़ भरी जगहों पर जाने से बचे। देयर इज अ नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दिल्ली एंड व्हाट इट मींस इज दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो क्राउडिंग एंड पीपल वेयर मास्क। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम की एक और तैयारी, 16 नवंबर से रेड सिग्नल पर गाड़ियां बंद करने की मुहिम। दिल्ली के 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहों पर तैनात रहेंगे 2,500 मार्शल, 16 से 30 नवंबर तक चलेगी मुहिम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलते जहर पर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरफ्तार, एनकाउंटर में गोली लगने के बाद एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने पकड़ा। हाशिम बाबा पर था 5 लाख का इनाम, 50 यूनिट्स कर रही थी तलाश। उल्फा के टॉप लीडर दृष्टिराज खोवा ने किया सरेंडर, सेना के सामने घुटने टेके। लखनऊ में एक जौहरी को बदमाशों ने मारी गोली, दुकान बंद कर घर जाते वक्त हुआ हमला।
गाजीपुर में विधायक मुख्तार अंसारी का अनाज गोदाम प्रशासन ने किया कुर्क। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी अर्जुन रामपाल से भी कर सकती है पूछताछ। ड्रग्स केस में आज फिर अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर से होगी पूछताछ। कल हुई थी 6 घंटे पूछताछ। निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, रोजाना होगी सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस की मांग मानी। पुंछ में सरहद पार से फिर गोलीबारी, रिहायशी इलाकों में मोर्टार से दागे गोले, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ नरवणे का उत्तराखंड बॉर्डर का दौरा, सैन्य ठिकानों और सेना की तैयारियों का लिया जायजा। आखिरी चरण में पहुंची केदारनाथ धाम की यात्रा, यात्रियों की संख्या में कमी आने की वजह से 4 हेली सेवाएं बंद। 16 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट, सुबह 8:30 बजे उखी मठ के लिए रवाना होगी बाबा की डोली। प्रयागराज में संगम पर सैंड आर्ट से छात्रों ने इको फ्रेंडली दिवाली का दिया संदेश। एक साल में करीब 8,000 करोड़ रुपए दान करके अजीम प्रेम जी बने देश के सबसे बड़े दानवीर। दान की मुकेश अंबानी से 17 गुना ज्यादा रकम। मार्च तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ना होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक्स को दिया आदेश। जॉर्जिया में वोटों की हो सकती है दोबारा गिनती, इस बार हाथ की जगह मशीन से होगी गिनती। नतीजों को लेकर ट्रंप के रवैये पर बिफरे जो बाइडेन, कहा यह शर्मिंदगी भरा, भविष्य में राष्ट्रपति की विरासत को पहुंचाएगा नुकसान। रूस ने किया दावा स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 92% कामयाब। पेरू की राजधानी लीमा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, नए राष्ट्रपति की शपथ से भड़के लोग। फिलीपींस में समुद्री तूफान वैम्को ने मचाई तबाही, तेज हवाओं और बारिश के बीच सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए हजारों लोग।